लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले लोग तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा भिखारी देखा है जो भीख में मिले पैसों को दान कर देता हो? मैसूर में एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मंदिर के बाहर भीख मांगने वाली महिला ने उसी मंदिर को 2.5 लाख रुपए दान में दिए हैं। इस वजह से यह महिला चर्चा में आ गई है। महिला का नाम MV सीता लक्ष्मी बताया जा रहा है। वह मैसूर के ही यदावागिरी रहने वाली हैं। सीता लक्ष्मी यदावागिरी में अपने बया और भाभी के साथ रहती हैं, लेकिन उन्हें दूसरे पर निर्भर रहना पसंद नहीं है। इसके लिए वह स्वयं काम घरों का काम करती थी, लेकिन 10 साल पहले वे जब शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गई तो उन्हें घरों का काम मिलना बंद हो गया। कामकाज में अक्षम होने के बाद उन्हें मजबूरी वश वोन टिकोपल में प्रसन्न नाथ ने स्वामी मंदिर के बाहर भीख मांगने शुरू कर दिया। इस तरह सीता लक्ष्मी ने खूब सारे पैसे जमा कर लिए। इन पैसों से अपनी जरूरत का सामान लेकर वे बाकी बच्चे पैसों को मंदिर के ट्रस्ट को दान में देती है। ऐसा वह कई बार कर चुकी है। बताया जाता है कि अब तक वे 2.5 लाख से ज्यादा रुपए समर्पित कर चुकी हैं। इस बार उन्होंने ट्रस्ट को 2.5 लाख रुपए दान दिए हैं। सभी यह जानकर हैरान रह गए कि एक भिखारी इतनी बड़ी राशि दान में दे सकता है। वहीं मंदिर के कर्मचारी और पुजारी सीता लक्ष्मी को खूब आशीष देते हैं। वे उनका पूरा ध्यान रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीता लक्ष्मी ने गणेश महोत्सव के दौरान भी करीब 30,000 रुपए दान किए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीता लक्ष्मी ने मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन के साथ बैंक जाकर 2 लाख रुपए मंदिर ट्रस्ट अकाउंट में जमा कराए हैं। इस संबंध में सीता लक्ष्मी का कहना है, मेरे लिए भगवान ही सब कुछ है, इसलिए उनके भक्त जो भी कुछ मुझे देते थे मैं उसे मंदिर को समर्पित कर देती थी। मंदिर में मेरी अच्छी देखभाल भी की जाती है। मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन का कहना है कि वे कभी भक्तों से खुद से डिमांड नहीं करती हैं। भक्त अपनी इच्छा अनुसार जो भी देते हैं वे स्वीकार कर लेती हैं।